हाय गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेस। मैं हिमांशु। हम लोग इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, हैलो एल्केन व हैलो एरिन्स। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस जो वीडियो थे उसमें हम लोगों ने इसका नामकरण पढ़ा था। ठीक है, नामकरण मतलब नामकरण करने का तरीका, आईयूपीएससी नामकरण पद्धति हमने पढ़ा था, और वहां पे हमने जो है कुछ एग्जांपल्स भी कर करके देखे थे। ठीक है दोस्तों, ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से इसका आईयूपीएससी नामकरण कम से कम एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो मल्टीपल च्वाइस में आए या वन लाइनर में आए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, उसको कर करके देखते हैं। ठीक है, सीखते हैं कि कैसे इसका नामकरण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला हमारा कंपाउंड, ठीक है, ये हमारा कोई एक जो दिया गया, ये हमारा कोई एक एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, क्या लिखा गया है, CH3CH2CH2CH2CH2Br। ठीक है, हमसे पूछा गया कि इसका आईयूपीएससी नाम क्या होगा। अब देखिए, हमने बताया था सर्वप्रथम जब हम लोग इसका नामकरण करेंगे, नामकरण करने का तरीका यह है कि दोस्तों हम देखते हैं कि कोई फंक्शनल ग्रुप यदि जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उधर से, ठीक है, कार्बन को हम देखते हैं कि नियरेस्ट कार्बन, किस नियरेस्ट कार्बन पर इसको नंबरिंग मिलती है। ठीक है, तो अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे तो देखेंगे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 पांचवें कार्बन पे हमारा ब्रोमीन यहाँ पे आ रहा है, या हमारा जो हैलोजन समूह है वो कहाँ पे आ रहा है, पांचवें कार्बन से अटैच है। लेकिन यदि हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात हमारा जो हैलोजन प्रतिस्थापी समूह है वो कहाँ, पहले ही कार्बन से अटैच है। इसलिए हम इस वाले के अकॉर्डिंग करेंगे, इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे नंबरिंग। ठीक है, तो हमारा पांच कार्बन का ये कंपाउंड है। ठीक है, और पहले पोजीशन पे हमारा हाइड्रोजन प्रतिस्थापन समूह जुड़ा हुआ है। हम बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि जब भी हम इसका नामकरण, हैलो एल्केन का नामकरण करते हैं, तो नामकरण करने के लिए सर्वप्रथम हम हाइड्रोजन समूह का नाम लिखते हैं, इसके बाद एल्केन समूह का नाम लिख दिया जाता है। ठीक है, तो लेकिन जो इसका सामान्य नाम होता था उसमें सर्वप्रथम हम एल्किल समूह का नाम लिखते थे, इसके बाद हम हैलोजन समूह का नाम लिख देते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेकिन हमें आईयूपीएससी नाम लिखना है, इसलिए सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, ब्रोमो। ठीक है, कहाँ पे है, पहली पोजीशन पे। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो। अच्छा, पांच कार्बन है तो पेंट हो गया। ठीक है, पेंट, इसके बाद प्लस एन। ठीक है, तो 1 ब्रोमो पेंटेन क्या हो गया, 1 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, 1 ब्रोमो पेंटेन ये हमारा पहले इस कंपाउंड का नाम निकल कर क्या है, आईयूपीएससी नाम। ठीक है, अच्छा पेंट प्लस एन लिखा है, इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पेंट प्लस एन जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो पेंटेन। अच्छा, आप लोग हैलोजन परमाणुओं को नंबर ऑफ हैलोजन परमाणु के आधार पर हैलो एल्केन का वर्गीकरण करते थे, याद आ रहा है पहला टाइप। ठीक है, हमने दूसरे दिन के वीडियो में बताया था हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन का वर्गीकरण हमने पढ़ाया था आपको। हमने बताया था कि यदि हमारा हैलोजन ग्रुप, हैलोजन समूह प्राइमरी कार्बन से जुड़ेगा इसको 1 डिग्री हैलो एल्केन। ठीक है, यदि हमारा 2 डिग्री से जुड़ता है, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ता है, तो इसको हम सेकेंडरी हैलो एल्केन। यदि 3 डिग्री से जुड़ता है तो इसको हम टर्शियरी हैलो एल्केन बोलते थे कि नहीं, याद आ रहा है आपको। तो अगर हमसे पूछा, एक क्वेश्चन है जिसमें हम दो चीजें कर रहे हैं, एक तो हमने इसका आईयूपीएससी नामकरण कर लिया, दूसरा पूछ रहा है कि प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी कौन सा हैलो एल्केन है। तो भैया ये देखते हैं कि जिस कार्बन से हमारा ये हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है वह कार्बन कैसा है, प्राइमरी है। कैसे आपको पता कि प्राइमरी है, तो भैया देखिए ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, बाकी कार्बन की वैलेंसी टोटल होती है 4,
एक वैलेंसी जो आपकी इस हाइड्रोजन समूह से जुड़ गई और दूसरी और तीसरी वैलेंसी कहां इस हाइड्रोजन से जुड़ गई, चौथी वैलेंसी इस कार्बन से जुड़ गई, ठीक है। ये H2 लिखा है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा, नहीं, ये H ऊपर नीचे है, ठीक है। इसका मतलब कार्बन कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड, मतलब ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन जुड़ रहा है, इसलिए ये कार्बन कैसा होगा, प्राइमरी कार्बन होगा। यदि ये प्राइमरी कार्बन हो गया तो हमारा जो हेलो एल्केन होगा ये कंपाउंड जो कौन सा होगा, ये हमारा होगा प्राइमरी हेलो एल्केन या 1 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। बात समझ में आई, अंडरस्टैंड ऑर नॉट? अब चीजें मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। यदि आपने मेरे पूरे तीनों वीडियोस के पहले वाले देखे हेलो एल्केन और हेलो एल्केन्स का, तो मुझे लगता है कि ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी कैसे ये हमारा प्राइमरी हेलो एल्केन है, ठीक है। बात समझ में आई, चलिए इसी तरीके से हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा कंपाउंड हमारा क्या है, CH3, CH2, CH2, CHBr, CH3। अच्छा भैया इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, हम ब्रोमीन को उठा करके यहां से कहां ले आया, दूसरे वाले कार्बन पे ले आया ना, ठीक है। अच्छा अब नंबरिंग अगर हम इधर से करें तो इसको 1, इसको 2, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे, इसको 5 बोलेंगे। अब मतलब हमारा हाइड्रोजन समूह जो है चौथे कार्बन से जुड़ रहा है, ठीक है। लेकिन यदि हम इधर से चलते हैं तो देखते हैं, इधर से नंबरिंग करते हैं कार्बन की, तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। कार्बन का नंबर तो 5 ही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन समूह जो है दूसरे कार्बन से अटैच हो रहा है। यदि हमारा हाइड्रोजन समूह दूसरे कार्बन से अटैच हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इस इधर से नंबरिंग करेंगे, किधर से, ये वाली नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग गलत है, ठीक है। इधर से नंबरिंग ना करके हम नंबरिंग इधर से करते हैं, क्योंकि इधर से हमारा हाइड्रोजन समूह को जो है मिनिमम अंक प्राप्त हो रहा है या पहले ही नंबरिंग पे आ जा रहा है, ठीक है। दूसरे ही कार्बन पे हमारा हाइड्रोजन समूह जुड़ जा रहा है, अगर इधर से करते तो हमारे चौथे पे आता, ठीक है। अब देखिए भैया, अगर दूसरे पोजीशन पर आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इसका क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, ठीक है। अच्छा कितने कार्बन, टोटल 5 कार्बन है, वही पेंट प्लस एन, ठीक है, हो गया पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। बात समझ में आई भैया, अंडरस्टैंड और नॉट, ठीक है। अच्छा अब इस पे अगर पूछा जाए जो हमारा हेलो एल्केन है वो प्राइमरी है सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, तो भैया इस कार्बन को आप अगर देखें, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लिखे हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं इसको, ठीक है, यहाँ से लेते हैं और यहाँ तक लिखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है, CH2, ठीक है, CH2, या ऐसे लिख लेते हैं CH2 को, ये आपका H, ये H, ठीक है, CH2 हो गया, ठीक है, ये CH2 हो गया। अब CH2 के बाद क्या है, CH है, ठीक है, C सिंगल बॉन्ड H, अब H के अलावा क्या जुड़ा हुआ, Br, ब्रोमीन जुड़ा हुआ, चलिए Br लिख दिया इसको। अगला क्या है, यहाँ तो CH3 है, ठीक है, कुछ इस टाइप का आएगा आपका, ठीक है। जब हम इसको और ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट, ठीक है, हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं भैया कि हमारा जिस भी जो कार्बन हैलोजन बंध वाला कार्बन है, कार्बन हैलोजन बंध वाला कार्बन है, ये तो हमारा है ना कार्बन हैलोजन बंध वाला कार्बन, यह कार्बन दो कार्बन से और अटैच हो रहा है ना, यह कार्बन दो कार्बन से और अटैच हो रहा है, तो मतलब ये एक कार्बन ये दो कार्बन, इसका मतलब ये कार्बन क्या हुआ, सेकेंडरी कार्बन हो गया, ठीक है। अब सेकेंडरी कार्बन से हमारा क्या है, अटैच है कार्बन हाइड्रोजन बंध है, ठीक है, इस सेकेंडरी कार्बन से हमारा हाइड्रोजन प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका जो नाम होगा, सॉरी ये जो किसकी कैटेगरी का आएगा, सेकेंडरी हेलो एल्केन के अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत आएगा, सेकेंडरी हेलो एल्केन के अंतर्गत आएगा। बात समझ में आई है, बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है, देखिए एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूं, बहुत ही आसान शब्दों में बता रहा हूं भैया, अगर अभी नहीं समझ में आया तो कृपया करके आप पिछले तीनों वीडियो हेलो एल्केन व हेलो एल्केन्स के जरूर देखें, आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए आप थर्ड वीडियो जरूर देखें, ठीक है, जिसमें आपको आईबीएसई बताया था, और आप सेकंड वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने आपको इसका वर्गीकरण बताया था, सॉरी इसका वर्गीकरण किसके आधार पर बताया था, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ठीक है। अब देखिए भैया यहाँ पे क्या है, जो हमारा जिस भी कार्बन से हमारा हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है,
हम उसको चेक करते हैं वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो कार्बन है वो एक इस कार्बन से दूसरे इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। अगर इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो इसका मतलब ये हमारा कार्बन कैसा हुआ सी एच वाला, ये हुआ सेकेंडरी कार्बन। अगर सेकेंडरी कार्बन है तो जो हमारा ये हेलो एल्केन होगा कैसा होगा, सेकेंडरी हेलो एल्केन होगा। कैसा होगा, सेकेंडरी हेलो एल्केन होगा। देखिए क्वेश्चन तो आप एक ही कर रहे हैं ठीक है, लेकिन दो दो चीजें आप निकाल रहे हैं ठीक है। इसका मतलब एक ही क्वेश्चन में आपके दो दो चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होती चली जा रही है ठीक है। चलिए अब हम लोग आपका देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये वाला तीसरा वाला। देखिए अब यहाँ क्या है, चाहे हम यहाँ से नंबरिंग करें चाहे यहाँ से नंबरिंग करें, जो आपका हैलोजन कार्बन हैलोजन बंद है उसको तीसरा ही स्थान मिलेगा ठीक है। चलिए देखते कैसे, 1 2 3 असमी 4 और ये 5 आपका। अच्छा इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 ये 5, इसका मतलब ये भी सही है ये भी सही है क्योंकि तीसरी पोजीशन पर ही जुड़ रहा है। तो चाहे हम ऊपर इधर से नंबरिंग कर लें चाहे इधर से नंबरिंग कर लें, बात समझ में आई। अब देखिए तीसरे पोजीशन पर कौन सा हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है ठीक है। तो इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो, क्या नाम हो गया 3 ब्रोमो, क्या हो गया 3 ब्रोमो। कितने कार्बन भैया, 5 कार्बन है, इसका भी नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो पेंटेन, बात समझ में आई 3 ब्रोमो पेंटेन। अच्छा अब इसका अगर पूछा जाए कि प्राइमरी होगा हेलो एल्केन या सेकेंडरी होगा या टर्शियरी होगा, तो भैया हम देख रहे हैं एक कार्बन यहाँ, दो ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हमारा कार्बन क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन होगा। अगर ये सेकेंडरी कार्बन होगा तो हमारा हेलो एल्केन कैसा होगा, सेकेंडरी हेलो एल्केन होगा। बात समझ में आई या अभी भी नहीं आई ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हमारा है CH3 का होल ट्वाइस CH CH2 CH2Br ठीक है। अब अच्छा इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा चेन को ओपन किया जा रहा है यहाँ पे। ये कह रहा है CH3 का होल ट्वाइस CH CH, देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ठीक है। अगर 4 वैलेंसी होती, एक बॉन्ड यहाँ से बन गया, एक बॉन्ड यहाँ से बन गया, एक बॉन्ड ऑलरेडी इसके पास है ठीक है। इसका मतलब एक CH3 कहां से आके जुड़ेगा, इस कार्बन से आके जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक बॉन्डिंग, दो बॉन्डिंग, तीन बॉन्डिंग ठीक है। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग एक, इस कार्बन की बॉन्डिंग दो, इस पर्टिकुलर CH3 की बॉन्डिंग 3। तो इसका मतलब एक अभी भी रिमेनिंग रहेगा, तो जो CH3 जो ट्वाइस लगा हुआ है इसका एक CH3 कहां से जुड़ेगा, इस कार्बन से जुड़ेगा। चलिए लिखते हैं कैसे, देखते हैं ये हो गया H3C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, फिर इसके बाद नीचे सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए ये वाला एक CH3 आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, बात समझ में आई। तो एक CH3 ये हो गया, अब आपका बचता है CH2 फिर CH2Br ठीक है, CH2Br। अब आप देखिए यहाँ पे भी कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी, 1 2 3 और यहाँ से ब्रोमीन 3 4। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्बन, इस कार्बन को पहला नंबर ठीक है, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा ठीक है। तो दूसरे पोजीशन पर हम देख रहे हैं कि ब्रोमीन, पहले पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो पहले हम लिखते हैं 2 ब्रोमो, क्या लिखते हैं 2 ब्रोमो। देखिए ये थोड़ा सा अलग हटके है, ध्यान दीजिएगा चेन को बनाने और खोलने में ठीक है। आपके बुक में सीधा CH3 का होल ट्वाइस लिख दिया गया है, बगल वाले कंपाउंड को CH लिखा गया है। CH लिखने का मतलब जो एक CH3 एक जो मिथिल ग्रुप है वो कहां से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है। बात समझे, यहां का एक मिथिल ग्रुप इस कार्बन से अटैच है। अगर इस कार्बन से अटैच है तो हमने इसको इस प्रकार से ओपन कर करके लिख दिया। जब ओपन हो गया तो ये देख ले रहे हैं कि आप पहले पोजिशन पर क्या है, ब्रोमीन, सॉरी 2 हमने आप लिख दिया, गलती हो गई माफ करिएगा, यहाँ पे 1 ब्रोमो हो गया ठीक है, 1 ब्रोमो ठीक। 1 पहले ही पोजीशन पर, पहले ही कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ गया तो हो गया 1 ब्रोमो ठीक है। अब 1 2 3 तीसरे कार्बन पर आपका क्या जुड़ा हुआ है, एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है भैया, तो आप लिखेंगे 1 ब्रोमो 3 मेथिल, क्या 3 मेथिल 1 ब्रोमो
थ्री मिथिल, वन टू थ्री, तीसरे पोजीशन पर एक मिथिल समूह भी तो जुड़ा हुआ है, आप इसको भी तो लिखेंगे। तो ये हो गया वन ब्रोमो थ्री मिथिल। अच्छा एक दो तीन चार, एल्केन का नाम क्या होगा, चार कार्बन पर ब्यूट और एन जोड़ देंगे तो ब्यूटेन, तो हो जाएगा वन ब्रोमो थ्री मिथिल ब्यूटेन। बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, ये आपका हो गया चौथा वाला वन ब्रोमो थ्री मिथिल ब्यूटेन। अंडरस्टैंड? चलिए अगले एग्जांपल की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या है, सी एच थ्री का होल ट्वाइस सी एच, फिर यहाँ पे सी एच पे भी एक आपका सी एच वाली पोजीशन, मतलब इस कार्बन से आपका हाइड्रोजन समूह जुड़ रहा है, फिर सी एच का होल ट्वाइस सॉरी सी एच थ्री। ठीक है, इसका मतलब आप ऐसे समझिए यहां से इसको हटा दिया गया, ठीक है यहां से इसको हटा दिया गया, यह सी एच थ्री का होल ट्वाइस, इसका मतलब सी एच थ्री आपने एक बार लिख लिया यहां लेते, ठीक है आपने एक बार सी एच थ्री लिख लिया। ठीक, अब इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, सी एच से एक मेथिल ग्रुप जोड़ दे रहे हैं, जोड़ दिया भैया, ठीक है अगला फिर सी एच है और यहीं पे ब्रोमीन भी जुड़ा हुआ है, यह है कि आपका सी एच और इसी से आपका क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन भी जुड़ा हुआ है। CH को आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, CH को इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, ठीक है इसका मतलब अब ये कुछ अच्छा है, एक बार हम साफ करके लिख दे रहे हैं, ठीक है शायद आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी इसलिए साफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा एग्जांपल हम लोग देख रहे थे CH3 का होल ट्वाइस, इसका मतलब हो गया H3C सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब ये सी एच है तो आपने यहाँ कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे फिर से एक मेथिल ग्रुप जो सी एच थ्री का होल ट्वाइस था उसका एक मेथिल ग्रुप यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक, अब इसके बाद क्या है, सी एच फिर है एक एक कार्बन, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक ब्रोमीन। ठीक है, आपका ये हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ था, फिर सी एच थ्री है, ठीक है फिर सी एच थ्री है। अब देखिए यदि आप इधर से नंबरिंग करते तो वन टू थ्री तीसरे पोजीशन पे ब्रोमीन आएगा, अगर इधर से करते तो दूसरे पोजीशन पर आएगा, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे। ठीक है, वन टू थ्री फोर, ठीक है दूसरे पोजीशन पर एक क्या है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तीसरे पोजीशन पर एक मिथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा टू ब्रोमो, क्या हो जाएगा टू ब्रोमो। ठीक है, इसके बाद टू ब्रोमो के बाद तीसरे पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका हो जाएगा टू ब्रोमो के बाद थ्री मेथिल, क्या हो जाएगा थ्री मेथिल। बात समझ में आई, यहाँ पे दूसरे पोजीशन पर एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ, तीसरे पोजीशन पर एक मेथिल और टोटल कितने कार्बन है, चार कार्बन, चार कार्बन पे जरा छाटो कार्बन या एल्केन का नाम क्या होगा, ब्यूटेन। ठीक है, तो हो जाएगा टू ब्रोमो थ्री मिथिल ब्यूटेन। इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई, अगर अभी भी नहीं आई तो एक बार फिर से देखिएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आपका ये छठा, ठीक है सी एच थ्री का होल ट्वाइस सी बी आर सी एच टू सी एच थ्री। ठीक है, अच्छा अब आप देखेंगे अगर इस वाले कार्बन को ध्यान से देखिएगा तो एक बॉन्ड यहां से, एक बॉन्ड यहां से, ठीक है दो हो गए, ये बॉन्ड यहां बना रहा ब्रोमीन से, तीन बॉन्ड हो गए, मतलब आपका जो है एक सी एच थ्री कहां आके जुड़ेगा, इसी कार्बन से आके जुड़ेगा। ठीक है, तभी तो आपकी बॉन्डिंग पूरी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सी एच थ्री हो गया आपका, ठीक है ये सी एच थ्री लिखा गया है, ठीक है सी एच थ्री लिखा गया है, इससे क्या आपका कार्बन जुड़ा हुआ, कार्बन जुड़ गया, इसी से एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, भैया यहाँ पे आप ब्रोमीन को ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए ब्रोमीन को ऐड कर दीजिए, और इसी कार्बन से आपका क्या है एक सी एच थ्री जाकर के जुड़ जा रहा है, इसी कार्बन से क्या आपका एक सी एच थ्री आकर जुड़ गया, इसका मतलब सी एच थ्री का होल ट्वाइस यहाँ पे हो गया, एक ये होल ट्वाइस हो गया, इसी से इस कार्बन से आपका पर्टिकुलर एक ब्रोमीन जुड़ रहा था, जुड़ गया। अब अगला है सी एच टू
CH3, तो यहाँ से ब्रोमीन आप हटा करके यहाँ पे क्या कर दीजिए, एच ला दीजिए, ठीक है, हाइड्रोजन ला दीजिए, हाइड्रोजन हो गया तो CH2 हो गया CH3। अब देखिए CH3 दोनों जगह, फिर CH2 यहाँ पर भी CH2, यहाँ पे कार्बन से आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बन से आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, फिर CH3 का होल्ड वाइस है, CH3 का ये होल्ड वाइस हो गया, ठीक है, इस तरीके से इसका ओपन चेन हो गया। जब इसको हम ओपन करेंगे, अब इसका नाम पूछा जाए तो भैया इधर से नंबरिंग करेंगे तो इस वाले कार्बन पे जिसके हैलोजन जुड़ा हुआ है इसको दूसरा पोजीशन मिलेगा, ठीक है, इसको तीसरा, इसको चौथा, अगर इधर से करेंगे तो तीसरा पोजीशन मिलेगा, ठीक है, इसलिए हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे। अब नंबरिंग जब इधर से करेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो हो गया 2-ब्रोमो, क्या हो गया 2-ब्रोमो, ठीक है, क्या हो गया 2-ब्रोमो। अच्छा, दूसरे ही कार्बन से आपका मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो 2-ब्रोमो 2-मिथाइल, बात समझ में आई, 2-ब्रोमो 2-मिथाइल, कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूटेन हो जाएगा 2-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, ये आपके छठे कंपाउंड का नाम हो गया। अब आप आते हैं सातवें कंपाउंड पे, यहाँ है CH3 CH2 CH CH3, ठीक है, देखिए CH CH3 मतलब इस वाले कार्बन से क्या आपका एक CH3 समूह जुड़ गया है, ठीक है, तो अगर इसको हम देखें तो बनाते हैं इसका भी एक स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या करते हैं इसका भी एक स्ट्रक्चर साफ करके बना लेते हैं, ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी चीजें तो आपको अभी तक समझ में आई ही होंगी, ठीक है, हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे, सातवां स्ट्रक्चर, ठीक है, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, हाँ सातवां हमारा है CH3 CH2 CH3, फिर है CH2, ठीक है CH2, अब इसके बाद CH, इसके बाद CH, यहाँ पे आपका एक मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है, चलिए CH3 जोड़ दिया आपने, यहाँ पे आपने क्या जोड़ दिया CH3 जोड़ दिया, अब क्या है CH2 भी आ, ठीक है, अब अगला है CH2, यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए भैया ये जो आपका ब्रोमीन है ये पहले कार्बन से अटैच है तो 1-ब्रोमो हो गया, ठीक है, फिर दूसरे कार्बन पे आप देख रहे हैं क्या मिथिल समूह जुड़ा हुआ है 1-ब्रोमो 2-मिथिल, ठीक है, इसके बाद कितना 1 2 3 4 1-ब्रोमो 2-मिथिल ब्यूटेन, तो इसका क्या नाम हो जाएगा 1-ब्रोमो 2-मिथिल ब्यूटेन, क्या नाम हो जाएगा 1-ब्रोमो 2-मिथिल ब्यूटेन, 1-ब्रोमो 2-मिथिल ब्यूटेन, बात समझ में आई, इसका हो गया 1-ब्रोमो 2-मिथिल ब्यूटेन, ठीक। अच्छा अगला है CH3 का होल थ्राइस सी सिंगल बॉन्ड सी CH2 सिंगल बॉन्ड BR, ठीक है, चलिए ये इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, इसको भी ओपन करते हैं। देखिए जब आप स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे, ठीक है, तो आप IPSC नामकरण भी कर सकते हैं, और अगर आपने अच्छे से काम किया तो आपको नाम दे दिया जाए तो आप इस कंपाउंड को स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे है CH3 का होल थ्राइस, इसके बाद C, तो भैया अगर C है इधर से क्या आपका CH2 है, इधर BR है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा CH2 BR, आपने यहाँ CH2 कर दिया, ठीक है, ये आपका BR हो गया। अब यहाँ पे इससे कार्बन जुड़ा हुआ, ये कार्बन हो गया, ठीक है, यहाँ से मिथिल का थ्राइस है, इसका मतलब ये आपका मिथिल समूह, ये आपका मिथिल समूह, और ये भी आपका मिथिल समूह, ठीक है, CH3 का होल थ्राइस हो गया, C हो गया, CH2 हो गया, BR हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें अगर नामकरण पूछा जाए तो भैया ध्यान दीजिएगा, ये पहले ही कार्बन से आपका ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन से आपके क्या है 2 मिथिल समूह जुड़े हुए हैं, और ये तीसरा कार्बन, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 1-ब्रोमो, क्या हो जाएगा 1-ब्रोमो, ठीक है, दूसरे कार्बन पर 2-2-डाइमिथिल, ठीक है, दो बार मिथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना,
तो इसका हो जाएगा वन ब्रोमो टू टू डाइमेथिल। बात समझ में आई? टू टू डाइमेथिल, एक दो तीन कार्बन पर प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो गया। बात समझ में आई? टू वन ब्रोमो टू टू डाइमेथिल प्रोपेन हो गया। ठीक है, उम्मीद करिए आपका आठवां है। ठीक है, ये आपका आठवां वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे नामकरण समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो जनरली एक बार मैं ओनली ऐसे जल्दी जल्दी रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, CH3, CH2, CH3। देखिए आप यहाँ पांच कार्बन की चेन देख रहे थे। ठीक है, ये हेलोजन पांच कार्बन का कंपाउंड था। पहले ही कार्बन पे आपका ब्रोमीन या हेलोजन समूह जुड़ा हुआ था। इसका नाम पहले आपको पता है, हेलोजन का नामकरण करते समय पहले हम क्या लिखते हैं? हम हाइड्रोजन समूह का नाम लिखते हैं, इसके बाद जो है हम एल्केन का नाम लिख देते हैं। तो वन ब्रोमो पेंटेन, दूसरे का आपने देखा था कि दूसरे कार्बन पे आपका हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ था, इसलिए हो जाएगा टू ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, पहले वाले कार्बन जो आप कार्बन हाइड्रोजन बंद था वो देख रहे थे कि जिस भी कार्बन से आपका हाइड्रोजन समूह जुड़ा था वो कार्बन कैसा था? प्राइमरी कार्बन था, इसलिए इसको हम 1 डिग्री हेलोएल्केन या प्राइमरी हेलोएल्केन कहते थे। इसी प्रकार से इसमें आपका जो कार्बन है जिससे आपका हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है वो सेकेंडरी कार्बन, इसलिए इसको हम सेकेंडरी हेलोएल्केन बोलते हैं। इसी प्रकार से आपका हाइड्रोजन समूह यहाँ पे तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ था, इसको बोलते थे 3-ब्रोमो पेंटेन। और जो आपका जो कार्बन था, ठीक है, ये कार्बन कैसा था? सेकेंडरी था, इसलिए इस हेलोएल्केन को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी हेलोएल्केन। इसी प्रकार से आपका चौथा एग्जांपल, इसमें आपका जो ब्रोमीन है पहले ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1-ब्रोमो 3-मिथिल ब्यूटेन। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आपके सारे के सारे हैं। इंपॉर्टेंट ये वाला है, यहाँ पे CH3 का होल फ्राइस लिखा गया है। होल फ्राइस यहाँ पे आप देख रहे हैं, कार्बन कार्बन एक बॉन्ड यहाँ बना ले रहा है, दूसरा बॉन्ड इधर बना ले रहा है। अगर दो बॉन्ड बन गए इसका मतलब रिमेनिंग दो बॉन्ड किससे पूरे होंगे? जो दो रिमेनिंग मिथिल ग्रुप थे, तो यहाँ पे दोनों रिमेनिंग मिथिल ग्रुप यहाँ से जुड़ गए और ये ब्रोमीन इधर जुड़ गया। ठीक है, जिसको आपने जब बढ़िया से बनाया, ओपन करके चेन बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर सामने आया और इसका नाम हो गया 1-ब्रोमो 2-डाइमेथिल 2-2-डाइमेथिल प्रोपेन। बात समझ में आई भैया? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बोर्ड परीक्षा में आपका कम से कम एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तक आ सकते हैं, एक या दो क्वेश्चन डेफिनेट है आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा ये एनसीईआरटी का आपका जो है क्वेश्चंस था। कुछ एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में जो है एक्सरसाइज दिया गया है कुछ इस प्रकार से, उसका भी हम लोग नामकरण कर लेते हैं। तो इनका नामकरण करते समय हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम हम पहले एग्जाम्पल का, ठीक है, पहले क्वेश्चन का करते हैं नामकरण। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन का जो है श्रृंखला है। ठीक है, कितने कार्बन की श्रृंखला है? 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की श्रृंखला है। 5 कार्बन पे आप देख रहे हैं कि दूसरे वाले कार्बन से आपका इन जुड़ा हुआ है। ठीक है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है अर्थात इन है। ठीक है, तो आप 5 कार्बन का जो चेन है उस पे देख रहा हूं 1, 2, 3, 4 वाले कार्बन से आपका ब्रोमीन या हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, जिसका नाम हो जाएगा 4-ब्रोमो। क्या हो जाएगा? 4-ब्रोमो। ठीक है, आप कार्बन की चेन कितने की बनाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 4-ब्रोमो, इसके बाद पेंट 4-ब्रोमो पेंट 2-ईन। अच्छा, दूसरे वाले कार्बन पे आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड है ना, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 4-ब्रोमो पेंट 2-ईन। 1, 2 दूसरे वाले पोजीशन पर इन बॉन्ड है। ठीक है, और 5 कार्बन की श्रृंखला, इसलिए पेंट 2-ईन लग गया। बात समझ में आई? इसी प्रकार से हम अगले एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या है आपका, ये देखिए, एक कार्बन पहला कार्बन यहाँ पे, दूसरा यहाँ, ठीक है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 4 कार्बन की चेन हो गई। 4 कार्बन में क्या है आपका दूसरे पोजीशन पर, ठीक है, दूसरे पोजीशन पर क्या, सॉरी, पहले दूसरे तीसरे तीसरे पोजीशन पे आपका ब्रोमीन समूह जुड़ा हुआ है। अच्छा, इधर से नंबरिंग इसलिए नहीं करेंगे कि यहाँ पे इन जो आपका डबल बॉन्ड है उसको तीसरा पोजीशन मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको पहले प्रेफरेंस पे लेके आएंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो तीसरे पोजीशन पर क्या है? ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा 3-ब्रोमो। क्या हो जाएगा इसका नाम? यहीं पे लिख लेते हैं 3
ब्रोमो, क्या हो जाएगा थ्री ब्रोमो। दूसरे वाले का नाम लिख रहे हैं वन टू थ्री, थ्री पे ब्रोमो है, ठीक है, थ्री पे आपका क्या है ब्रोमो हो गया। अच्छा कुछ और देख रहे हैं आप, थ्री पे ब्रोमो हो गया, लेकिन आप एक और चीज देख रहे हैं क्योंकि दूसरे पोजीशन पर, ठीक है, दूसरे पोजीशन पर क्या है आपका मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, थ्री ब्रोमो टू मेथिल, क्या हो जाएगा थ्री ब्रोमो टू पे मेथिल, थ्री ब्रोमो टू मेथिल। अच्छा थ्री ब्रोमो हो गया, टू पे मेथिल हो गया, वन पे इन है, ठीक है, वन पे इन है। अच्छा एक दो तीन चार कार्बन की श्रृंखला है, थ्री ब्रोमो टू मेथिल ब्यूट टू इन ब्यूट वन इन, ठीक है, वन टू थ्री फोर कार्बन की श्रृंखला हो गई, तो थ्री ब्रोमो टू मेथिल ब्यूट हो गया, क्या हो गया चार कार्बन पर ब्यूट, और वन पे इन है ब्यूट वन इन हो गया। बात समझ में आई, थ्री ब्रोमो तीसरे पोजीशन पर ब्रोमो, दूसरे पोजीशन पर एक मेथिल ग्रुप वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो देख रहे हैं आप क्या कि दूसरे तीसरे पोजीशन पर हैलोजन समूह, दूसरे पोजीशन पर मेथिल ग्रुप, और पहले पोजीशन पर क्या है आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है, जिसका हो गया थ्री ब्रोमो टू मेथिल ब्यूट वन इन। इसी प्रकार से आप इसका देखते हैं, इसमें देखिएगा जब नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री फोर, ठीक है, वन टू थ्री फोर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तीसरे पोजीशन पर ब्रोमीन है, दूसरे पोजीशन पर मेथिल है, ठीक है, और पहले सॉरी ये आपका कार्बन हो गया वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। हम देख रहे हैं कि पांच कार्बन की चेन है, ठीक है, और दूसरे नंबर वाले कार्बन पर क्या आपका डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम लिखेंगे फोर ब्रोमो, ठीक है, थ्री मेथिल पेंट टू इन, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फोर ब्रोमो फोर ब्रोमो हो गया। अब क्या देख रहे हैं तीसरे पोजीशन पर एक मेथिल जुड़ा हुआ है, थ्री मेथिल थ्री मेथिल, बात समझ में आई। अच्छा तीसरे पोजीशन पर एक मेथिल हो गया, अब देखिए कि क्या है दूसरे वाले कार्बन से क्या एक जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है ना, पांच कार्बन की चेन है, तो हो जाएगा पेंट टू इन, बात समझ में आई। चलिए एक और चौथा लेते हैं एग्जांपल, इसमें हम देख रहे हैं कि वन टू थ्री फोर, ठीक है, क्या है वन टू थ्री फोर, चार कार्बन की चेन है। अब यहां देखेंगे कि दूसरे पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, और इधर से भी चलेंगे तो दूसरे पोजीशन पर ही डबल बॉन्ड मिलेगा, अर्थात अगर हम यहां से, लेकिन ब्रोमीन को क्या मिलेगा पहला पोजीशन मिलेगा, हम इधर से नंबरिंग कर लेते हैं वन टू थ्री या आपका फोर कार्बन, ठीक है, तो इसका हो जाएगा वन ब्रोमो टू मेथिल ब्यूट टू इन, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका क्या नाम हो जाएगा वन ब्रोमो, ठीक है, वन पे आपका क्या हो जाएगा ब्रोमो हो गया, टू पे क्या आपका मेथिल है वन ब्रोमो टू मेथिल, बात समझ में आई टू मेथिल। और इसके बाद आप देख रहे हैं चार कार्बन की चेन है, तो इसको बोलेंगे वन ब्रोमो टू मेथिल ब्यूट, दूसरे पोजीशन पर क्या है इन है ब्यूट टू इन हो गया, बात समझ में आई। चलिए पांचवा इसी प्रकार से देखते हैं, इधर नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री फोर, ठीक है, पहले पोजीशन पर आपका क्या है ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, पहले पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अब दूसरे पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा वन ब्रोमो, ठीक है, वन ब्रोमो हो गया आपका, और इसके बाद ब्यूट टू इन, वन ब्रोमो ब्यूट टू इन हो गया। चलिए आखिरी एग्जांपल देखते हैं, इसका है वन टू थ्री, ठीक है, मतलब तीन कार्बन की चेन है, चलिए करते हैं
ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ठीक है। तो वन ब्रोमो टू मेथिल प्रोप टू इन, ठीक है, इसका हो जाएगा वन ब्रोमो हो गया। दूसरे पे आप मेथिल जो देख रहे हैं टू पे मेथिल, ठीक, और दूसरे ही कार्बन पे आप क्या देख रहे हैं डबल बॉन्ड, ठीक, और तीन कार्बन की चेन है, तो प्रोप टू इन, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये आपके हो गए सारे के सारे क्या जो आपके एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने इस सबका नामकरण कर डाला, ठीक। आगे हम लोग अगली हेडिंग देखते हैं, हमारा कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति, ठीक है, क्या देखते हैं, कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति देखते हैं। इसका मतलब ये हो गया जो हमारा, देखिए क्या होता है कि हमारा जो कार्बन है और जो हमारा हाइड्रोजन है, हमारा जो हाइड्रोजन समूह है ये कार्बन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, विद्युत ऋणात्मक कौन ज्यादा होता है, हमारा हाइड्रोजन समूह ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये कम विद्युत ऋणात्मक होता है, ये क्या होता है कम, ये क्या है अधिक, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे एल्किल हैलाइड है, ठीक है, एल्किल हैलाइड में जो कार्बन और हाइड्रोजन बंद है, ये क्या होता है कि पोल बनाएंगे, ठीक है, अलग अलग पोल बनाएंगे, तो इसपे क्या होता है जो हमारा कार्बन है इसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो हाइड्रोजन समूह है इसपे क्या हो जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्या जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हमारे कार्बन वाले समूह पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन वाले समूह पे क्या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये हमारा विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा, ये हमारा विद्युत धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो हम लोग ये जानते हैं जो हमारा पीरियडिक टेबल है, पीरियडिक टेबल में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब हम लोग हाइड्रोजन समूह में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो जितने हाइड्रोजन तत्व हैं उनका साइज जो है वो क्या करता है बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन समूह में जहाँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, इधर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो इसका साइज क्या हो जाएगा बढ़ता जाता है, ठीक है, साइज क्या हो जाएगी बढ़ती जाती है, ठीक है। इसका मतलब फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होता है, क्या होता है इसका आकार सबसे छोटा होता है, ठीक है, आकार क्या होता है सबसे छोटा होता है किसका फ्लोरीन का, ठीक है। आयोडीन का आकार क्या होता है सबसे बड़ा होता है, क्या होता है इसका आकार सबसे बड़ा होता है, ठीक है। ये चीजें हमने कहाँ पढ़ी है, हमने पढ़ी है पीरियडिक टेबल में, ठीक है। अब आवर सारणी में हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि हाइड्रोजन समूह हमारा है, हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो उनका आकार जो हाइड्रोजन परमाणु उनका आकार क्या होता है बढ़ता जाता है, तो हमारा जो फ्लोरीन हुआ सबसे छोटा आकार का हुआ, आयोडीन सबसे बड़े आकार का हुआ। अच्छा एक चीज और देखते हैं, जो हमारा इसमें बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है, जो कार्बन हाइड्रोजन जो होते हैं समूह उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है ये उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक हम लोग फिगर बनाते हैं, एक जो टेबल बनाते हैं उसी के द्वारा जो हम इसका अध्ययन करते हैं। चलिए कौन सी टेबल बनाएंगे भैया, ये देखिए ये हमारा हो गया बंध का प्रकार, ये हो गया हमारा, चलिए मान के चलते हैं H3C मेथिल ग्रुप से एक बार क्लोरीन जुड़ गया, एक बार मेथिल ग्रुप से हमारा क्या जुड़ गया क्लोरीन जुड़ गया, एक बार हमारे मेथिल ग्रुप से क्या जुड़ गया ब्रोमीन जुड़ गया, एक बार हमारे मेथिल ग्रुप से क्या जुड़ गया आयोडीन जुड़ गया, क्या जुड़ गया आयोडीन जुड़ गया। अब इसमें हम बंध की लंबाई देखते हैं, ठीक है, बंध की लंबाई देखते हैं किसमें पीएम में, ठीक है पीएम में, ठीक है। अब देखिए जो हमारा कार्बन हाइड्रोजन मेथिल से जो हमारा ये फ्लोरीन जुड़ा हुआ है इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी 139, ठीक है, क्लोरीन की 178, ब्रोमीन की होगी 193, इसी तरीके से आयोडीन की कितनी होगी 214, ठीक है। अब ये हमारा जो हो गया बंध की लंबाई हो गया, तो ये है आपका कार्बन हाइड्रोजन आबंध की
प्रकृति हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा कार्बन हाइड्रोजन है तो हमारा कार्बन क्या होगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा और हमारा हाइड्रोजन पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, मतलब दो अलग अलग चार्ज बनेंगे, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हमारा कार्बन कैसा होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब कार्बन कैसा होता है धनावेशित होता है, हाइड्रोजन कैसा होता है ऋणावेशित होता है। इतनी चीजें उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो